अब चले इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची सरिता आर्य, जो बड़ी खबर है। भाजपा में शामिल होंगी कांग्रेस के पूर्व विधायक सरिता आर्य, ऐसी जानकारी मिल रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग की तैयारी हो रही है, ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से है भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची सरिता आर्य। इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, सरिता आर्य पहुंची है बीजेपी मुख्यालय, क्या होगा, ज्वाइनिंग आज कर लेंगी भाजपा? दीपा, देखिए, चूंकि अभी वो भाजपा कार्यालय पर पहुंच गई है और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली से अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं और उन्होंने जैसा सुबह भी संकेत दिए थे कि किसी बड़े कांग्रेस के नेता को आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराना है, तो निसंदेह सरिता आर्य अभी थोड़ी देर में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी। और देखिए दीपा, ये भी देखना होगा कि वो इस समय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वो एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने 3 दिन पहले अपनी बातचीत में ये एक संकेत भी दिए थे कांग्रेस भवन में जब मीडियाकर्मी से बातचीत की कि यदि भाजपा उनको टिकट देती है तो वो उससे भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो वही एक बिल्कुल वो उसी तरह का नतीजा एक सामने आ रहा है कि सरिता आर्य कार्यालय पर पहुंच गई है, मदन कौशिक के साथ वो पहुंची है, मदन कौशिक वहीं हैं और थोड़ी देर में उनको पार्टी की सदस्यता दिला दी जाएगी और वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे और संभवतः वो नैनीताल से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी होंगी। जी दीपा, बिल्कुल। और नैनीताल की सीट को लेकर ही कांग्रेस से बात नहीं बनी, जिसके बाद भाजपा में उनके जाने की खबरें और कुछ देर के बाद आप ये कह रहे हैं अजीत जी कि वो ज्वाइनिंग भी कर सकती हैं, मदन कौशिक के साथ वहां पर पहुंची हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और महिला विंग की अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उत्तराखंड में इस तरीके से भाजपा में जाना बहुत बड़ा झटका होगा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए। हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। परिवारवाद की पार्टी नहीं है बीजेपी, ये उन्होंने कहा है। बहू के टिकट के लिए दबाव बना रहे थे हरक सिंह, जो कि गलत है। एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगा टिकट। हरक सिंह को भाजपा ने कई बार मौके दिए हैं, मौकों का फायदा वो नहीं ले पाए, उनकी गलती है। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे। अब देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कह दिया कि परिवारवाद और वंशवाद की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ रही थी, उसके बाद ये जरूरी हो गया था उनकी बर्खास्तगी और पार्टी से भी उनको निष्कासित कर दिया गया है। इसी पर दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्योंकि दिल्ली में ही मौजूदगी है हरक सिंह रावत की भी, अभी खबरें तमाम ही आ रही है कि उमेश शर्मा काऊ पहुंचे हैं अमित शाह से मिलने के लिए, वहां पर बातचीत हो रही है, क्या जानकारी दोनों की मुलाकात को लेकर अभी आपके पास है? देखिए दीपा, अगर बात करें तो उमेश शर्मा काऊ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके वो दिल्ली से वापस देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने कल रात को पार्टी से निष्कासित किया गया, उनको बीजेपी से, और आज सुबह से वो लगातार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से संपर्क करेंगे और कांग्रेस में जाकर के चुनाव लड़ेंगे और आगे कांग्रेस का प्रचार करने का काम करेंगे। ऐसे में हरक सिंह रावत की काफ़ी नज़दीकी उमेश शर्मा काऊ की रही है और कल जब देहरादून से रवाना हुए थे दोनों नेता तो साथ ही दिल्ली आए थे, तो ऐसे में उमेश शर्मा काऊ ये अपने आप को सूचित करने गए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और बीजेपी के लिए कार्य करेंगे। ऐसा इसलिए वो करने गए थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो पार्टी के आलाकमान से नहीं मिलते तो शायद बीजेपी भी उनको निष्कासित कर दे। लिहाजा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके अपनी बातें वहां पर रखी और ये कहा कि वो निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे, उनका कांग्रेस में जाने का कोई इरादा नहीं है और उत्तराखंड में जो भी भारतीय जनता पार्टी उनको दायित्व सौंपेगी उस दायित्व का वो निर्वहन करेंगे। तो अपना मत स्पष्ट करने गए थे, अपनी बात रखने गए थे वो गृह मंत्री अमित शाह के पास। ऐसा इसलिए वो करने गए थे क्योंकि कल जब वो देहरादून से चले थे तो उनके साथ में मंत्री तब तक रहे हरक सिंह रावत मौजूद थे और दोनों साथ में दिल्ली आए थे। तो हरक सिंह रावत को कल पार्टी से निष्कासित करने के बाद ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि उमेश शर्मा काऊ को भी निकाला जा सकता है, अगर नहीं निकाला गया तो हो सकता है उमेश शर्मा काऊ खुद इस्तीफा देकर के हरक सिंह रावत के साथ चले जाएं। तो ये तमाम सारे चीजों के बीच अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी।